उमर अल मुख्तार, जिन्हें द लॉयन ऑफ डेजर्ट या रेगिस्तान का शेर भी कहा जाता था, जब लीबिया उस्मानी सल्तनत के कंट्रोल से बाहर हो गई तो इस पर इटली की आर्मी ने कब्जा कर लिया, तो उन्होंने इटली के खिलाफ लीबिया की आज़ादी की जंग लड़ी। उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ 100 से अधिक जंगें लड़ी। ईसाइयों का कहना था कि हमने उमर अल मुख्तार जैसा बहादुर कमांडर पहले कभी नहीं देखा। जिस शहर पर भी इटालियन आर्मी कब्जा करती, रात होने से पहले वह उस शहर को आज़ाद करा लेते थे। एक जंग लड़ते वक्त उमर अल मुख्तार के हाथ में गोली लगी और वह जख्मी हो गए और आखिर में ईसाइयों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मौलाना उमर अल मुख्तार को 16 सितंबर 1931 को सरेआम फांसी दे दी गई। जब उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सुभान अल्लाह।